अच्छा आज का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा अलग है। आज सीन क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं और होप जा रहे हैं नथवा खान दो दिन के लिए। बेसिकली वहाँ पे है एक शूट, आई गेस एक पहाड़ी मूवी का। तो मैं और होप जाने वाले नथवा खान स्टे करेंगे दो दिन वहाँ पे। होप को भी ले जा रहे हैं। क्वारब वाले रास्ते से जाना है। लगभग क्वारब से ये जो जगह है वो पड़ती है 7 किलोमीटर आगे। और काकड़ीघाट से क्वारब का रास्ता वैसे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर नथवा खान से भी वैसे रास्ता जाता है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम क्वारब वाले से जाएँ, क्योंकि अभी हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना है और उस रास्ते से ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता कोई भी नहीं है। तो होप को यहाँ पे करते हैं बकल अप और उसके बाद चलते हैं सीधे। होपो रेडी है? थोड़ी लंबी राइड है, 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर। बीच में लेंगे छोटा सा ब्रेक, ठीक है बच्चा? बैठ जाओ आप तब तक। और बबू सब बढ़िया हो रहा है? आ गया मैं और भवाली। आज भवाली में अच्छा 9 बज रहा है अभी, इसलिए रश नहीं है अभी। सही हो रहा है, बढ़िया एकदम माहौल। और क्या कहा जाए, उम्मीद है हम बढ़िया तरीके से पहुँच जाएँ उधर। बीच में मतलब अपनी गाय बैल इन सबको छोड़ देते हैं। क्या यार लोगों का भी क्या है, क्या ही कहा जाए, अलग ही टाइप के लोग, अजीब ही टाइप के लोग। सामने से ट्रक आ रहा था, आई डोंट नो वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ इसमें। बहुत गंदी तरीके से काम करते हैं, पता है आपको? बहुत गंदे लोग। अब यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा फिर से गाय। चलो फिर क्या कर सकते हैं, जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार इन लोगों का भी है। बस थोड़ा हल्का देखना चाहिए कि यार जब गाड़ी आड़ी आ रही है, गाड़ी आड़ी वाले स्पीड में आते हैं तो यार दिक्कत होती है ना यार एक्सीडेंट की। तो और क्या कह सकते हैं। ओपू सब बढ़िया हो रहा है? अपन पहुंच चुके राम गांव। वाह क्या बात है, क्या कह रही है बच्ची, मजा आ रहे हो? तू नज़ारों के मजे लो आप, ठीक है? ओ फाइनली खैरना। एंड अभी हम जाएंगे खैरना से आगे की तरफ। और सही बताओ तो मुझे ये जो काकड़ी घाट से क्वारब वाली रोड है ना, बहुत ज़्यादा ही बेकार लगती है। गली वाली रोड अच्छी है, यहाँ से रोड की जो हालत है वो काफ़ी बेटर है। तो अभी एक काम करते हैं, जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करते हैं और होप का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं हम आपको थोड़ी ही देर में। यहाँ पर पत्थर भी बहुत गिरते हैं इस वाले रोड पे।
देखो जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है वो जाता है अल्मोड़ा की तरफ, और जो हमें डेस्टिनेशन पे जाना है वो जाना है राइट की तरफ। और राइट की तरफ आज मैं पहली बार जाऊँगा। अराउंड 7 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ता बढ़िया है, आई गेस इस रोड में ज़्यादा कोई जाता नहीं है, ज़्यादा कोई से मतलब बस गांव वाले जाते हैं। और तभी ये रास्ता अभी क्या बोलते हैं सही टाइप का लग रहा है, मतलब अभी तक फिलहाल तो काफ़ी शांति है, केवल मैं और होप दिख रहे हैं मेरे को आगे आगे तक रोड में, बस हम ही दोनों। बकरियों कैसे हो तुम? ओपू क्या देख रहा हो पा? ओके, शूट की लोकेशन पे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब मनोज लोग पाए कॉल करनी पड़ेगी। एंड अभी हम जा रहे हैं शूट की लोकेशन पे, जो कि है मेन रोड से ऊपर अराउंड 300 मीटर ऊपर। होप नीड कर रही है, होप स्लो बट आगे कुत्ते मिल जाएंगे। मौसम देख रहे हो आप, मौसम भी ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, हालांकि आई गेस अभी हमारे पास बहुत टाइम है। एंड मैंने एक्चुअली जो गोप्रो है चार्ज में लगा रखा है, तो इसमें अभी ट्राइपॉड नहीं लगाया, तो आपको मैं बता नहीं सकता कि किस तरीके से सीन चल रहा है। सीन का मतलब है अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं रिकॉर्ड करूँगा तो माइक जो है बंद हो जाएगा, ऐसा सीन है। फिलहाल चल रहे हैं हम, चलो 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 आ जाओ, चलते रहो। हाँ टिड्डे टिड्डे हो रहे हैं यहाँ तो, ये देख रहे हो आप सामने का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। चलो 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 यार, हो यार होपू, लगता है ट्रेनिंग आपकी कम चल रही है आजकल, हैं होपू? ये नज़ारा देख रहे हो आप, ओहो क्या बढ़िया नज़ारा है, अद्भुत। अच्छा सीन क्या है कि अभी मैं ऐसी हैंडहेल्ड क्या बोलते गोप्रो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ट्राइपॉड मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल। ये देख रहे हो आप, होप को यहाँ बांधना पड़ रहा है मेरे को, कुत्ते ने बहुत परेशान कर रखा है, एक कुत्ता है यहाँ पे। एक्चुअली हम शूट की लोकेशन पे आ चुके हैं, तो क्या हो रहा है कि अब डायलॉग जैसे ही बोल रहे हैं वैसे ही वो कुत्ता आवाज़ करने लग जा रहा है, जो गाँव का है वो छोटा सा पता नहीं किसका, और फिर उसके चक्कर में होप भी आवाज़ करने वाली हो रही पर आवाज़ कर नहीं रही, हालाँकि होप ऐसा कुछ सीन है। तो अभी हम यहीं पर खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं मौसम का, हल्की एक उमस जैसी है। होप की जीप तो बाहर निकली है, बट जो नज़ारा है गांव का, मैं आपको एक बार ऐसी 360 दिखा देता हूँ, आप देखो कितना बढ़िया है नज़ारा, और मतलब फील अलग ही है। और जो इन लोगों ने शूट के लिए ये सेलेक्ट किया है ना, ये वाला यहाँ पे एक घर है छोटा सा गांव का, मैं आपको दिखाऊंगा उसका जो फील है वो भी एक तरफा टाइप का है, मैं अभी दिखाऊँगा आप लोगों को। तब तक एक काम करते हैं, मैं और होप आगे गाँव की तरफ क्या जहाँ भी ये रास्ता जा रहा है थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। मैं तो बोर हो चुका हूँ, आते आते ही बोर हो गया मैं, मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि होप को लाना चैलेंजिंग है ऐसी जगहों पे, मैं सोच नहीं रहा था। पर होपू एक मिनट यार, ये क्या है, आ जाओ होप, चलो तो आओ, चलो घूम के आते हैं आगे तक। कुछ बकरियाँ भी हैं जो वहाँ से दिखाई दे रही थी दूर से हमें उस टाइम पर। बैठो, यहाँ पर थोड़ी छाया है, हर जगह तो धूप ही धूप है, थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में ही बैठते हैं। हो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, अब शैतानी मत करो, आपकी जीप वैसे ही बाहर निकल ली है, बैठो थोड़ी देर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हो अपने बकरी देख रही है ना वहाँ पे चढ़ते हुए उन लोगों को, ये कैसे टेम्परेचर गर्म हो रहा है होप का, थोड़ी देर इधर ही बैठते हैं होपू, ठीक है। होपू की जीप देखो, ये तब से होपू की जीप बाहर ही है, ये देख रहे हो, और ये नज़ारा देखो। अच्छा इधर की तरफ ना मैं आपको इशारा करता हूँ, ये जो घर दिख रहा है ये भी पहाड़ी स्टाइल का घर है, एकदम ट्रेडिशनल जो कहते हैं, और आई डोंट नो इसमें अभी कोई रहता है नहीं रख रहा है, दूर से तो थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे त्याग दिया गया हो इस घर को, आपको कोई रहता नहीं है, और
बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में घर। इधर की तरफ अभी पेड़ के पीछे छुप गई हैं बकरियाँ, तो इधर की तरफ बकरियाँ चर रही हैं। ओपो यहाँ पे बैठे बैठे ना उन्हीं को देखने में लगी है। देख रहे हो आप नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है, टोटल फील ही अलग है इस जगह का, सीरियसली मस्त एकदम। ये देखो हरियाली ही हरियाली। एक काम करते हैं वापस चलते हैं शूट की लोकेशन पे, देखते हैं अभी क्या हाल है। वो डॉग गया नहीं गया, मुझे उम्मीद है कि वो डॉग चले जाए यार, उसने दिमाग की चटनी कर रखी है कसम से। चलो होप चलते हैं, उम्मीद है वो डॉग चले गया होगा यार। आओ चल रहे हैं। क्या लगता है काटती होगी? नहीं काटती यार, अच्छी बच्ची है यार बहुत। पालतू कुत्तों का भरोसा है ना, क्योंकि उसको हम जानते हैं। जो सड़क पे घूम रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते ना कि वो काटेगा नहीं काटेगा, है कि नहीं? इसमें अखरोट बचे हैं नहीं बचे? एक भी नहीं होता है, मैं तोड़ देता हूं। ओहो तुम नहीं खत्म कर रहे होंगे। नहीं तो जिनका पेड़ है मैंने तोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे गांव कहाँ तक हुआ, घर कहाँ तक हुए? ये जो लास्ट दिख रहा है वही हुआ क्या? हाँ। इससे ऊपर कोई घर नहीं है, ये लास्ट है। और स्कूल ऊपर हुआ? हाँ यहाँ है। तो तुम कहाँ से आ रहे थे फिर? अच्छा ठीक है ठीक। अरे यार ये कुत्ता है किसका यार, इसने बहुत परेशान कर रखा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इसने। ये किसका डॉगी? इधर ओए किसका डॉगी है तू? हैं ये देख रहे हो, यही है वो डॉगी जिसने परेशान कर रखा है, ये पूंछ हिला रहा है जो। हैं ओए किसका डॉगी है तू? ये ना हल्ला मचा रहा है साइड पे यार बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने ड्रोन देखा है पहले कभी? ना। आज देखना फिर ड्रोन, आज आपको ड्रोन दिखाएंगे। कितने बजे उड़ाओगे? ओपो जब शॉट आएगा ड्रोन का तब उड़ेगा, अभी तो शॉट नहीं है ड्रोन का। शाम को ही आएगा ना? नहीं तो क्या पता अभी भी आ जाए। ये डॉगी है किसका यार ये वाला? ये डॉगी किसका है भाई ये? अरे परेशान कर रखा है इसने यार डॉगी ने बहुत। ये तुम्हारा है ना कुत्ता? कौन सा? ये तो मेरा है यार। आपका नाम क्या हुआ? दीपक। दीपक और आपका? सौरभ। और हरीश। फोटो निकाल ले क्या हमारी? फोटो नहीं निकाल ले यार, मैं देख रहा हूँ आ कैसा रहा है इसमें ना, सीन कैसा आ रहा है। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है यार एक छोटी सी ऐसी। अब देखो सीन क्या है, यहाँ पे हैं बच्चे भी देखने आए हैं शूटिंग, बड़े भी देखने आए हैं शूटिंग, और ये है हमारा पहाड़ का वो घर ट्रेडिशनल जहाँ शूट चल रहा है। ये पेंट हाल ही ये अभी किया है क्या, दो दिन पहले? ये वाला ऐसी है ऐसा लग रहा है ये नया करा हुआ जैसे, ये बढ़िया लग रहा है। और वहाँ पर बैठी नीचे आमा एक्टर हमारी, एंड यहाँ पे है वो डॉगी फिर से, ये है होप, और ऐसा कुछ सीन है। वेट ही कर रहे हैं, मौसम देख रहे हो। अच्छा सीन क्या है ना, देखो मैं और होप जा रहे हैं इधर की तरफ, वहाँ पे चल रहा है शूट, तो हमने सोचा तब तक हम अपना व्लॉग ही कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक गांव का जो फील होता है ना वो किस तरीके का होता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाला हूँ मज़ा आएगा आप लोगों को देख, मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा आता है। ये देखो यहाँ पे हैं हमारी नहीं मतलब जिसकी भी है, सारी भैंसें ही भैंसें। ये देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है ये सब, पता नहीं क्यों ये सब देख के ना दिल को एक शांति जैसी मिलती है। होप आ जाओ, आ जाओ होप, आपको ऊपर दिखाते हैं। ऊपर ये जो एक लोकेशन है बड़ी प्यारी सी, ये देख रहे हो? ओहो हो भाई पता नहीं ये क्या है, यहाँ पे अंदर कुछ जलाने जैसा भी रख रहा है, यज्ञ जैसा ये पता नहीं क्या। बट ओवरऑल जो ये सीन है बहुत ही बढ़िया, ये देखो यहाँ बैठने का भी बना रखा है। होप ये देखो, होप ये देख ही नहीं है, होप तो पता नहीं क्या ही देख रही। वो ये देखो यहाँ पे फ्लावर्स देख रहे हो, दिवाली आने वाली है जल्द ही, तो यहाँ गांव में फ्लावर्स भी रेडी हो रखे हैं। ये देखो फ्लावर्स ही फ्लावर्स, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देख रहे हो आप होपू, ये देखो होप, ये होपू ये देखो, मत देख फिर लेकिन ये। और ये देखो नज़ारा देखो यार आप लोग, आई मीन जो नज़ारा है ना उसका जो फील है वो एक तरफा है, वाह। ये देखो होपू को, अच्छा हम ऊपर आए थे लोकेशन पे, तो अभी सीन क्या था कि हमें पानी मिल नहीं पा रहा था, पानी जो है अवेलेबल नहीं था या ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, ये कह लो पानी था ही नहीं। होप इधर हो, तो होप को मैंने क्या करा, ये मेरे को ड्रम मिला, इसमें
जो वहाँ पे भैंसे हैं उनके लिए पानी था, तो मैंने इसी में से पानी निकाला और होप को पिला दिया। फिर उसके बाद होप ने सीधे यहाँ पे ऐसा जंप करा, पाँव रखा और ख़ुद पानी पी लिया। तो ऐसा कुछ सीन था। अब आपको पीछे से दिखाते हैं इसका नज़ारा। एक तरह से गोट हुआ मेरे ख्याल से, जहाँ पे नहीं होपू इधर आओ, बच्चे इधर आओ, चलो आ जाओ आ जाओ ठीक चल आओ। ये देखो ये है पीछे की तरफ से नज़ारा। हम पीछे की तरफ से भी देखने आ गए इधर। वाह इसमें भी है पानी। और इधर ये भैंसे बैठी हैं, कितने प्यार से बैठी हैं देखो। ये नज़ारा है ना, वाह। आ जाओ चलिए आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो भांग के पेड़ देख रहे हो आप, ये अलग ही क्वालिटी के हैं। हमारे यहाँ पे जो पत्ते होते हैं थोड़े पतले होते हैं, और इस गांव की साइड को पत्ते जो है ना काफ़ी मोटे टाइप के हैं। सही बताऊँ तो ये वाले जो भांग के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये देखिए ये वाले जो पौधे हैं इनक्रेडिबल। मतलब हर एक चीज़ ना इतनी अच्छी है। होप छी छी ओपो टॉयलेट है गाएगी, छी हटो वहाँ से, पता नहीं टॉयलेट है क्या है, वो पानी जमा है। ये डॉग को देखो ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। होप आ जाओ कम अरे। ये डॉग यार शैतान है बहुत। एंड होपू और मैं चलते जा रहे हैं। ये नज़ारा देखो, ये देखो यार नीला नीला आसमान, बढ़िया सा एकदम मौसम हो रहा है। नीचे शूट चल रहा है, शूट से हम दूर, शूट पे क्या हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। होप कभी क्या बोलते हैं आवाज़ कर रही है, कभी वो दो तीन कुत्ते आए हैं, एक दो कुत्ते सॉरी वो एक्स्ट्रा, ऐसा वाला सीन है। हमने कहा चलो तो गाँव में घूम लिया जाए, और जो गाँव में शांति है, गाँव का जीवन बहुत टफ होगा इतनी ऊँचाई तक। आई डोंट नो पानी आता है या नहीं आता, क्या सीन है, या पानी लाना पड़ता है नीचे से हैंडपम्प से लोगों को, मे भी आता हो पानी, उम्मीद तो ऐसी है। बट गांव जो है यहाँ पे से वो थोड़ा ऊपर तक फैला है घर, लास्ट इधर की तरफ से वो वाले टॉप तक फैला अराउंड, ऐसा कुछ सीन है इधर का। और हरियाली 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 के साथ सांप भी हो सकते हैं इस जगह पे, तो बड़ा सोच समझ कर देख कर चलना पड़ रहा है। चलो होप आगे चलो, आ जाओ। घास ही घास, होपू को मज़ा आ रहा है। होपू को पानी पिलाना मेरा एम था, मेन एम था। एंड क्योंकि देखो ऊपर आने पे अपना तो कोई टेंशन नहीं है, पर होपू का टेंशन हो जाता है, इतनी गर्मी थी अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि अभी बादल लग चुके हैं, तो टेंशन हो जाती है कि यार होप ने पानी नहीं पिया है, पानी पिलाना है पानी पिलाना है, दिमाग में यही चल रहा था। और पानी मिल गया, काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस हुई मुझे सही बताऊँ तो, क्योंकि एक टेंशन थी कि यार होप ने पानी नहीं पिया है, पानी नहीं पिया है, इसको पानी कैसे पिलाया जाए। होपू अब पानी यानी सब पी लिया ना आपने। अच्छा यहाँ पर मंदिर भी है, ये जो देख रहे हैं आप ये मंदिर है, इधर पर ईष्ट देव का मंदिर है यहाँ पे शायद इनके, और काफ़ी अच्छी जगह पे है यार मंदिर, सही बताऊँ तो बढ़िया नाइस अच्छी लोकेशन है। अच्छा फूल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दिवाली के लिए ना फूल सारे रेडी हो चुके हैं, ये देखो फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल, क्या बढ़िया लग रहे हैं फूल, ये देखो ये है ना मस्त एकदम। आ जाओ आ जाओ, ये देखो ओपो कम नज़ारा देखो यार क्या सॉलिड है। मन तो करता है ना यहीं पे घर लेके, यहीं पे घर बना लूँ सही बताऊँ तो, यहाँ पे इधर पे एग्जैक्ट फूल भी होंगे ऐसे, बगल में याले गोट हो गया और ये जो भी है सामने, ऐसा नज़ारा होगा है ना, और होप भी होगी बढ़िया मस्त एक तरफा। और इधर की तरफ नज़ारा देखो आप। होपू रुको, होपू आप बैठो सिट, दो मिनट रुको। होप को ना कंट्रोल करना पड़ता बार बार। ये नीचे की तरफ देखो नज़ारा एकदम सॉलिड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, नीचे चीड़ के पेड़, ऊपर वाली एरियाज़ में थोड़े बांज के पेड़ भी हैं जो कि अच्छी बात है। एंड मेरे ख्याल से अब ड्रोन का बुलावा आ चुका है अभी चलने का, व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे अभी पता नहीं मुझे, ठीक है मिलता हूँ आपसे। चलें और पियोगे, बस हो गया, आओ चलते आओ। ओपू आ जाओ आ जाओ कम आ जाओ कम 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 कम। ये जो आप पेड़ देख रहे हो यहाँ पे, ये आड़ू के पेड़, इसमें लगते हैं आड़ू, और ये वाला जो पेड़ है ऊपर ये अखरोट का पेड़ है। ओपू आ जाओ, वो देखो ये शैतान लड़की आ गई, ये आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई।
अच्छा जो अभी शूट चल रहा है ना वो कहाँ पे चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी शूट चल रहा है वो सामने पे, तो हम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली शूट अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम हो गया होगा, 4 बजने वाला होगा मेरे ख्याल से, 3:30 हो गया होगा। तो अभी क्या करते हैं, GoPro में SD कार्ड में स्टोरेज भी, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग और बची है, तब तक एक टाइम लैप्स ही रिकॉर्ड कर लेते हैं बढ़िया से, इतना अच्छा नज़ारा है। क्यों ओपो, ओपो तू घूमते रहे, काम कर, मैं आपको दिखाता हूँ एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। अच्छा मैंने होप की जो लीश है उससे एक अखरोट तो तोड़ा है, अगर आप लोग देख सके तो ये देखो एक अखरोट, तो सब निकालते हैं अखरोट। होप रुको तो हटो, हाँ मिलेगा आपको, हटो, ये देखो अखरोट। और पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होता है, इसको फोड़ना पड़ेगा पहले। तो ये कुत्ता है यार बेचारा, वाइट वाला है, निकलेगा कैसे, नहीं निकल पाएगा यार। देखो एक फंस गया कुत्ता जो आपके साथ खेलने आया था बेटा। कौन है ऊपर यहाँ पकड़ने के लिए? हाँ ना मैं पकड़ेगा। अब ऐसा ना हो नितिन भाई, जंप करके पता चला आ रहा है फिर कह रहा आ रहे तुम उतरे क्यों भैया। भाई तुम बताइयो, तुम होबू उधर, आप वहां से आगे बताना प्लीज। आ, तो निकाल नहीं, होबू तो नीचे से ही जंप। चुप, नहीं हो अब यार, आराम से, कुछ नहीं, फिर उसको काम पर। हां चले ऊपर, उठा लो ऊपर, उठा के फेंक दीजिए ऊपर। कौन है ऊपर? पैर में दर्द है उसको, पैर में उठा के करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आइए, आए कोई नहीं कुछ नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, रुको मैं उठा के डालता हूँ, नहीं उठ रहा हूँ ना, हम लोग बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं। नीचे हो गया वो जंप मारने की कोशिश, पकड़ लो पैर साथ, पकड़ लो वहीं बैठ के। नहीं 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 वो काट ले रहा है, आएगा अपने आप, एफर्ट करेगा वो अपने आप ही चढ़ेगा। नहीं इससे पैर चिकने हो रहे हैं ना, चढ़ेगा ना, चढ़ेगा वो चढ़ेगा। आई डोंट नो आप लोग मेरे को अभी देख सकते हैं प्रॉपर या नहीं देख सकते हैं, बट सीन ऐसा है कि ISO मैंने इंक्रीज करी अभी, और एक्चुअली कुत्ता जो फंस गया था वाइट वाला, वो हम जैसे ही गांव से सीढ़ी लेके आए निकालने के लिए उसे, तो वो उससे 2 मिनट पहले ही निकल चुका था, जो कि काफ़ी राहत वाली बात थी हमारे लिए। और मैंने सोचा नहीं था हमें थोड़ा आगे और व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द थिंग। और समय हो चुका है अभी 6:25, और काफ़ी अंधेरा होने लग गया धीरे धीरे, अभी नाइट का एक शॉट बाकी है, खेत में एक शॉट है बेसिकली, तो उसमें आई गेस बैलों की ज़रूरत है, और खेतों में थोड़ा पुरानी फसल जलाने वाला कुछ सीन है, ऐसा कुछ सीन है प्रॉपर मुझे पता नहीं अभी, बट जो भी है तब तक हम भी बिहाइंड द सीन्स देख रहे हैं क्या चल रहा है, मज़ा आ रहा है। या दिस इज़ इट फॉर टुडे, दैट्स व्हाट आई कैन से, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, मे बी टुमारो मतलब जो कल हमारा शेड्यूल है कल का, देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं आप लोगों से, आ जाओ चलो।